स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले हम परिवहन तंत्र के बारे में समझने से पूर्व परिवहन का अर्थ समझेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन का जो अर्थ है वो देखिए, परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। यानी कि जब व्यक्तियों और वस्तुओं को जो सेवाएं होती हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को ही हम किसके नाम से जानते हैं, परिवहन के नाम से जानते हैं। परिवहन किसी भी देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसी भी देश का समग्र और सुचारू रूप से जो विकास होता है वो किसके माध्यम से होता है, परिवहन के माध्यम से होता है। और हमारा भारत एक विशाल देश है, भारत में परिवहन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर धरातलीय विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पर तो पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं पर समतल उपजाऊ मैदानी भाग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में परिवहन का विकास किया गया है कि कौन से भागों में परिवहन यानी कि ज्यादा मात्रा में विकसित होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें परिवहन का अर्थ आना चाहिए। परिवहन का मतलब होता है व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का जो माध्यम होता है, उस माध्यम को ही हम परिवहन कहते हैं। अब परिवहन के प्रकार पढ़ेंगे हम कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवहन को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांटते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत प्राचीन काल में जो परिवहन होता था वो जल परिवहन होता था, सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक जल मार्गों के द्वारा आंतरिक जल मार्गों से जो परिवहन होता है उसे हम आंतरिक परिवहन कहते हैं। दूसरा है महासागरीय मार्गों के द्वारा जो परिवहन होता है उसे हम महासागरीय परिवहन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जल परिवहन दो प्रकार का है, आंतरिक परिवहन, महासागरीय परिवहन। और वायु परिवहन को हम दो भागों में बांटते हैं, ये आधुनिक परिवहन के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। इस प्रकार से परिवहन को हम तीन भागों में बांटते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन दो भागों में बांटा है, वायु परिवहन को भी हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले हम स्थल परिवहन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सड़क परिवहन का। किसका अध्ययन करेंगे, सड़क परिवहन का। तो सबसे पहले समझेंगे कि सड़क परिवहन का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, सड़क परिवहन का विकास प्राचीन काल से ही हो चुका था। प्राचीन काल में भी हमें पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें पक्की सड़कों के प्रमाण देखने को मिले हैं। अशोक महान के शासन काल में भी सड़कों का विकास हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी ने मध्य काल में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, उन्होंने भी सड़कों का विकास किया, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड को दो भागों में विभाजित किया, NH1, NH2, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2। जो नेशनल हाईवे 1 है वो NH1 है, वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो हमें प्राचीन काल से ही सड़कों के विकास के बारे में अध्ययन इनकी देखने को मिला है। प्राचीन काल से ही सड़कों का विकास हुआ है और आज वर्तमान में भी सड़कों का विकास होते जा रहा है। तो सब देखिए, जो शेरशाह सूरी ने ग्रांटक रोड का निर्माण करवाया था वो दो भागों में विभाजित था, NH1, NH2। NH1 दिल्ली से और कहाँ तक है, अमृतसर तक, और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक है। इसके बाद में जो हमारे भारत में 2014-15 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है, 48.65 लाख किलोमीटर है, जिनमें सर्वाधिक पक्की सड़कें भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं, और जो सड़कों का जो घनत्व है वो सर्वाधिक गोवा में पाया जाता है। सड़कों की जो लंबाई, जो सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं वो कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में,
और सड़कों का जो घनत्व है वो कहाँ है, गोवा में, और सबसे अधिक जो कच्ची सड़कें पाई गई हैं वो उड़ीसा राज्य में पाई गई हैं। इस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे सड़कों का महत्व, जो सड़क परिवहन है उसके क्या महत्व है। सड़क परिवहन के महत्व को देखिए, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी सड़क परिवहन की, सड़क परिवहन का क्या महत्व है मानव जीवन में। तो देखिए, सड़क परिवहन का महत्व के अंतर्गत सड़कें उपभोक्ता तक पहुंचने का प्रत्यक्ष माध्यम है, यानी कि इसे हम डोर टू डोर परिवहन के नाम से भी जानते हैं। सड़क परिवहन को किसके नाम से जानते हैं, डोर टू डोर परिवहन के माध्यम से। ये परिवहन है वो मुख्य रूप से उपभोक्ता तक हमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाने का माध्यम होती है। अगर जैसे हम किसी भी उपभोक्ता को कोई उत्पादक क्षेत्र से कोई वस्तु ले जाकर के उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, तो उसे हम प्रत्यक्ष रूप से उसके पास जाकर के, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसके पास हम पहुंच सकते हैं। तो सड़कें हैं वो उपभोक्ता तक प्रत्यक्ष पहुंचने का माध्यम है। दूसरा, ये लचीला परिवहन है। लचीला क्यों है, जैसे रेल मार्ग है वो रेल परिवहन के अंतर्गत जब हम अध्ययन करें, रेल है वो एक निश्चित बिंदु पर जाकर रुकती है, जबकि सड़क परिवहन के अंतर्गत ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियां, इन्हें कहीं भी हम आसानी से जहां हम अपनी मर्जी चाहे वहां रोक सकते हैं, इसीलिए हम इसे लचीला परिवहन भी कहते हैं। तीसरा, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जो शीघ्र खराब होने वाली वजह से सब्जी है, दूध है, इन्हें हम किस परिवहन के माध्यम से शीघ्र उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं, सड़क परिवहन के माध्यम से हम शीघ्र ही उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं। चौथा है, संकट के समय में आंतरिक भागों तक सेवा प्रदान करता है। जैसे किसी क्षेत्र में कुछ बाढ़ आ गई, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, तो वहां पर जैसे नगर का आंतरिक भाग है वो, या कहीं पर आंतरिक क्षेत्र तक हमें कोई सुविधा पहुंचानी है, तो उसे हम केवल सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। चौथा, पांचवा है हमारा, निर्माण और मरम्मत पर कम व्यय। यानी कि अन्य परिवहनों की तुलना में जैसे रेल परिवहन है उसमें निर्माण और मरम्मत पर ज्यादा लागत आती है, लेकिन जो सड़क परिवहन है उसमें निर्माण और मरम्मत पर कम खर्चा आता है, कम व्यय आता है, यह भी इसका एक महत्व है। अगला है, पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिला है। सड़क परिवहन के माध्यम से किसको प्रोत्साहन मिला है, पर्यटन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिला है। अगला है, कृषि विकास में सहायक। कृषि से संबंधित कोई भी हमें जल्दी सामान को अगर पहुंचाना होता है तो उसे हम सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो कृषि विकास में भी ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सड़कों के महत्व के अंतर्गत सड़क उपभोक्ता तक प्रत्यक्ष पहुंचने का माध्यम है, लचीला परिवहन है, इसे आसानी से हम इस पर चलने वाले जो परिवहन के साधन है उन्हें कहीं भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार रोक सकते हैं, शीघ्र वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचा सकती है जो खराब होने वाली वस्तु होती है, और संकट के समय भी आंतरिक भागों तक भी सेवा प्रदान करती है, और इसके निर्माण और मरम्मत पर कम खर्चा आता है। इसके अलावा ये पर्यटन विकास को भी प्रोत्साहन देती है और कृषि विकास में भी सहायक है। इस प्रकार से ये सड़क परिवहन के महत्व है। अब हम अध्ययन करेंगे सड़कों का वर्गीकरण। तो देखिए, मरम्मत और रखरखाव के आधार पर जो सड़कों का वर्गीकरण किया गया है, सड़कों को जो बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है। सड़कों का वर्गीकरण, आधार पर किया गया है ये वर्गीकरण, मरम्मत और रखरखाव के आधार पर। सड़कों के जो मरम्मत होती है, रखरखाव होती है, रखरखाव के आधार पर इसे हम पांच भागों में बांटते हैं। सबसे पहला तो है राष्ट्रीय सड़क, दूसरा है राज्य सड़कें, तीसरा है जिला सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें, पांचवी है सीमांत सड़कें। किसके आधार पर बांटा है हमने इन्हें, मरम्मत और रखरखाव के आधार पर, अर्थात राष्ट्रीय सड़कें हैं तो इनका मरम्मत और रखरखाव का जो नियंत्रण होगा किसके हाथों में होगा,
और राज्य सड़कें हैं तो इनका नियंत्रण कौन रखेगा, जिला सड़कें हैं तो इनका रख रखाव कौन रखेगा। इस आधार पर मरम्मत और रख रखाव के आधार पर हम सड़कों को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं सड़क परिवहन को। सबसे पहला है राष्ट्रीय सड़कें। राष्ट्रीय सड़कें वे सड़कें होती हैं जिनके निर्माण और मरम्मत का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय सड़कों के अंतर्गत किसका अध्ययन है, इनकी राष्ट्रीय सड़कों के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जिनका निर्माण और रखरखाव का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उन सड़कों को हम राष्ट्रीय सड़कों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय सड़कें, राज्य सड़कें। राज्य सड़कें वे सड़कें जिनके निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, उन सड़कों को हम राज्य सड़क के नाम से जानते हैं। तीसरा है जिला सड़कें। जिला सड़कें वे सड़कें जिनका निर्माण और रखरखाव का कार्य जिला प्रशासन के हाथों में होता है, उन सड़कों को हम जिला सड़कें के अंतर्गत शामिल करते हैं। चौथी है हमारी ग्रामीण सड़कें। वे सड़कें जिनके निर्माण और रखरखाव का जो कार्य होता है ग्राम पंचायत के हाथों में होता है, और ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर मार्गों यानी जो नगरों की ओर नगरों से नगरों को आपस में जोड़ती हैं जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, क्योंकि नगरों में जाने के लिए हमें सड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्रामीण सड़कें वे सड़कें होती हैं जो नगरों को आपस में जोड़ती हैं, नगरों को नगरों में पहुंचने का माध्यम होती हैं, और इन सड़कों के रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायत का होता है। सीमांत सड़कें, सीमा जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर जो सड़कें बनाई गई हैं उन्हें सीमांत सड़कें कहा गया है, और सीमांत सड़कों के रखरखाव के लिए सन 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया है, और उनके द्वारा इस सीमांत सड़कों का सुरक्षा प्रदान की जाती है, रखरखाव किया जाता है। इस प्रकार से सड़कों का वर्गीकरण मरम्मत और रखरखाव के आधार पर 5 भागों में किया गया है। राष्ट्रीय सड़कें केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रण रखरखाव किया जाता है, राज्य सड़कें सड़कों को राज्य सरकार के द्वारा, और जिला सड़कें जिला प्रशासन के द्वारा रखरखाव किया जाता है, ग्रामीण सड़कें ग्राम पंचायत के द्वारा रखरखाव किया जाता है। ये नगरों में पहुंचने का माध्यम होती है, नगरों को जोड़ती है। इसके अलावा सीमांत सड़कें जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर जो सड़कें होती हैं इनके निर्माण के लिए 1960 में सीमा सड़क संगठन बनाया गया है। और इस प्रकार से सड़क परिवहन को हमने 5 भागों में विभाजित किया।